जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि इस टोटके के मदद से यदि आप किसी ऐसी जगह पर पैसे की उम्मीद लगा करके रखे हैं, जैसे कि यदि कोई इनामी रकम हो गई, कोई लॉटरी हो गई, या किसी ऐसी जगह पर कि जहां आपने कम पैसा लगाया है और एक बार में आपको ज़्यादा का पैसा मिलने वाला है, ऐसी कोई जगह है, या कभी कभी कोई ऐसी बिजनेस डील होती है कि आप कोई मकान या दुकान में ऐसी जगह पर पैसा लगाते हैं कि आपने वहां पर इन्वेस्ट किया है कम समय के लिए, जो शॉप है या जो जगह है उसकी प्राइस बहुत बड़ी है, लेकिन आप वहाँ पर कुछ समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सी रकम, के शायद साल 6 महीने में यहाँ पर बड़ा मुनाफा मिलेगा और आप वहाँ से निकल जाएंगे। यदि ऐसी किसी जगह पर आप थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं और वहाँ से बड़ा मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टोटके को आप आजमाइएगा। इस टोटके को करने से उस जगह पर जहाँ कहीं भी आपने पैसा लगाया है, वो पैसा आपको अनेक गुना होकर के मिलेगा, लौट करके आपके पास में आएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, व्रत त्यौहार पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये प्योरली टोटका है, इसको आप इसके लिए कोई विशेष पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको थोड़ा सा रक्त चंदन चाहिए, और रक्त चंदन के साथ साथ आप इसमें गंगा जल हो सकता है तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको केसर चाहिए। यदि गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए, और आपको चावल चाहिए। चावल कैसा चाहिए? बिना छिला हुआ जो धान होता है वह आपको चाहिए। बस इस 4 चीज़ की आवश्यकता है आपको, और आप किसी भी ऐसी जगह पर जहां से आपको बड़े मुनाफे की उम्मीद है, या कहीं ऐसी है कि इनामी रकम है, जो बड़ी इनामी रकम है, किसी ऐसी जगह पर आपने हिस्सा लिया है, कई ऐसी जगह पर इनामी वो चलती हैं, क्लब चलती हैं कि जहां आपने यदि हिस्सा लिया है, और उस जगह पर यदि आप इस तंत्र मंत्र या टोने का टोटके का प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी और आप बड़े से बड़ा इनाम जीत सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप कोई भी एक नोट ले लीजिए, 10 की लीजिए, 20, 50, 100 की कोई भी एक नोट ले लीजिए। देखिए, कुछ लोग इसमें सवाल करते हैं कि नोट लेने के बाद, मान लीजिए आपने 10 रुपये की नोट ली और अब जहाँ कहीं भी ये चीज़ लेने जा रहे हैं, या इनामी प्रतियोगिता में कार्ड ले रहे हैं, या कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए आपको 100 रुपये देने हैं, 1000, 5000, 50000 देने हैं, तो उसमें यह नोट को आपको मिला देना है। इतना करना है आपको, चाहे जितनी भी नोटें हों उस नोट में आपको इस एक नोट को मिला देना है। तो अब इस नोट में आपको क्या करना है कि आपको जितनी उम्मीद हो कि आपको इतना मुनाफा मिलेगा या आपको इतनी इनामी रकम मिलेगी, अब वो जो रक्त चंदन है उसको आप थोड़ा सा घिस लीजिए, उसमें केसर मिला दीजिए, और थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और अपने सीधे हाथ से धान से जो आपने लिया है चावल जो बिना छिला हुआ था, उससे उसकी पेंसिल बना लीजिए, उससे कलम बना लीजिए, और आपको जो कोई भी आपकी इच्छा थी कि आपको इतना आएगा वो आप छोटे अक्षर में उसमें लिख दीजिए, और उसके चारों तरफ जो भी रकम आपने लिखी है उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं ह्रीम, ये जो बीज मंत्र है ह र म, ह्लीम नहीं लिखना है, ह्रीम लिखना है, ये आप लिख दीजिए चारों तरफ। अब जब भी आप किसी ऐसी जगह पर के जहाँ पर आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी है, वहाँ पर यह नोट मिला करके आप दे दें। जब भी आप इस नोट में लिखें उस समय ये ध्यान रखें कि आपको संपूर्ण पवित्रता के साथ और संपूर्ण स्वच्छता के साथ इस क्रिया को करना है, और गुप्त रीति से करना है, किसी को कहना नहीं है,
इस नोट को आप अपने पास ही रखें, जब भी आप ऐसा कोई भी काम करने के लिए जाएं, उसमें इस नोट को मिला करके सामने वाले व्यक्ति को दे दें। निश्चित तौर पर आपको उस जगह से बड़ा मुनाफा होगा, या इनामी जगह है तो आपको बड़े से बड़ा इनाम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।